है दोस्तों, एडवांस प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो ये सेकेंड वीक है, इसमें हम देखेंगे जनरल मोल्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, तो जनरल मोल्ड कंस्ट्रक्शन में जो इंजेक्शन मोल्ड की जो प्लेटें होती हैं, जो चाइल्ड पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे और किस तरह से एक मोल्ड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स उसके अंदर लगते हैं और मोल्ड बेस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो कि इंजेक्शन मोल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्रेशन के बारे में। तो इम्प्रेशन क्या होता है? बेसिकली इम्प्रेशन दो मेंबर से क्रिएट होता है, एक होता है केविटी और एक होता है कोर। तो केविटी से जो इम्प्रेशन क्रिएट होता है वो बेसिकली एक फीमेल पार्ट होता है और कोर से जो इम्प्रेशन मिलता है वो बेसिकली एक मेल पार्ट होता है। ठीक है, तो कोर और केविटी जब आपस में मेट करते हैं तो बेसिकली उनके बीच में एक इम्प्रेशन बनता है जो कि कंपोनेंट को पूरा करता है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में एक इम्प्रेशन दिख रहा है कि किस तरह से कोर और केविटी से किसी कंपोनेंट का एक इम्प्रेशन बन चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं केविटी और कोर क्या होती है। बेसिकली कोई भी एक जो बेसिक मोल्ड होता है वो दो प्लेटों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो उसमें एक प्लेट होती है, एक को कोर प्लेट बोलते हैं और एक को केविटी प्लेट बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी इम्प्रेशन में बताया, केविटी जो है वो बेसिकली एक फीमेल पोर्शन है और कोर जो है वो एक मेल पोर्शन है। तो बेसिकली इन दोनों जब कोर और केविटी आपस में मेट करते हैं तो एक पार्टिंग लाइन क्रिएट होती है। ठीक है, तो यहीं पर जो मेल पोर्शन होता है उसको हम कोर कहते हैं और जो केविटी पोर्शन होता है, जो फीमेल पोर्शन होता है, उसको हम केविटी बोलते हैं। तो इसको कोर और केविटी प्लेट बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ जो कि एक सॉलिड कोर और केविटी के डायग्राम है और साथ में कोर और केविटी में आप इंसर्ट भी लगा सकते हैं। तो इंसर्ट के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब बात करते हैं स्प्रू बुश के बारे में। स्प्रू बुश क्या होता है? बेसिकली स्प्रू बुश एक कनेक्टिंग मेंबर है जो कि मशीन नोजल और मोल्ड फेस के बीच में है। मोल्ड फेस मतलब जहां पर इम्प्रेशन, जो मोल्ड का इम्प्रेशन है वो मेट हो रहा है और वहां से आपका इम्प्रेशन जब फील होगा तो आपका कंपोनेंट तैयार हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक कनेक्टिंग मेंबर है मशीन नोजल और मोल्ड फेस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्प्रू बुश का मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से स्प्रू बुश के डायग्राम होते हैं और स्प्रू बुश इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर मैं कुछ बेसिक एक स्टैंडर्ड लेके चलता हूँ, जो स्टैंडर्ड आप किसी भी मोल्ड के लिए आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा है जिसमें जो आउटर डाया है बुश का वो है 13 mm। ठीक है, स्प्रू का जो सेंटर का जो ड्राफ्ट एंगल है, जो कि मोल्ड में से वेस्ट मटेरियल का जो स्प्रू होता है उसको निकलने में आसानी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो वो 3 से 5 डिग्री का एंगल आप ले सकते हो। ठीक है, जो इनर डाया है उसको आप ले सकते हो डी, जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं कैलकुलेशन आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली स्प्रू बुश और जो लोकेटिंग रिंग जैसे कुछ चाइल्ड पार्ट्स होते हैं, इसके लिए स्टैंडर्ड आप पार्ट ले सकते हो जो कि हेस्को या फिर डीएमई के स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, तो वहां से आप कैड फाइल भी ले सकते हो, चाहो तो आप वहां से डायमेंशन लेके इसको 3D में क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। यहां पर आपको 3 mm की रेडियस दिख रही है। ठीक है, तो आप इसको मिनिमम 3 mm रेडियस आप इस स्प्रू बुश में ले सकते हो, जो कि कॉर्नर है, जो कि प्लेट के ऊपर फिटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब जो हेड है स्प्रू बुश का, उसको मिनिमम आपको 16 mm लेना ही है। ये एक थंब रूल की तरह आप याद कर लीजिए कि 16 mm से ऊपर आपको इसको लेना है, मिनिमम 16 mm तो आपको इसकी हेड को लेना ही है। ठीक है, अब नोजल के अपर्चर की बात करते हैं। तो नोजल का जो अपर्चर होता है वो जितना भी मशीन का जो नोजल होता है, जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो नोजल होता है जहां से प्लास्टिक मटेरियल इंटर बाहर निकलता है, तो वो जब इसके साथ मेट करता है तो वो सही से फिट होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए नोजल के अपर्चर को हम 0.8 mm ज्यादा लेते हैं। सपोज कि अगर मशीन का जो नोजल है
इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का नोजल अगर 4 mm है तो यहाँ पर हम 4.8 mm इसका डायल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आपको कुछ अलाइनमेंट और मिसअलाइनमेंट नजर आएंगे, ठीक है। अगर आपने बाहर का जो रेडियस है, बाहर का जो स्फीयर का जो डाया है वो अगर आपने ठीक नहीं दिया है तो यहाँ पर मिसअलाइनमेंट हो सकता है मशीन नोजल और स्प्रू बुश के अपर्चर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिसअलाइनमेंट है जो कि नहीं होना चाहिए, इससे आपका मटेरियल पूरी तरह से अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट है जो कि अलाइनमेंट इम्पोर्टेंट है, तो इस तरह के अलाइनमेंट होना चाहिए। करते हैं रनर के बारे में। बेसिकली रनर क्या होता है? रनर बेसिकली एक चैनल है जो कि गेट तक किसी भी प्लास्टिक मटेरियल को मोल्ड के अंदर पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो कोर और केविटी के लिए अगर आपको मटेरियल को अंदर इम्प्रेशन में पहुंचाना है तो उसके लिए रनर और गेट का जो डिजाइन है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको एक रनर और गेट का डायग्राम दिख रहा है जिसमें मैंने एक मेन स्प्रू को लिया है। स्प्रू से जब मटेरियल नीचे जाता है तो वो रनर में इंटर करता है, ठीक है। इंटर करने के बाद वो सब रनर में इंटर करेगा और फिर साथ में गेट के थ्रू वो इम्प्रेशन के अंदर जाता है। यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम दिख रहे हैं जिसमें मैं आपको कंपोनेंट भी दिखा रहा हूँ और कोल्ड स्लग भी आपको जो दिख रहा है जो कि स्प्रू के थोड़ा सा बाहर से निकल रहा है, ठीक है। और आपको रनर और सब रनर और गेट के भी यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से रनर सिस्टम और गेट सिस्टम काम करता है। यहाँ पर रनर के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। यहाँ पर आप जो रनर का जो आप डायल लेते हो, ठीक है, तो वो बेसिकली एक थंब रूल अगर देखा जाए तो वो 1.5 आप वॉल थिकनेस से ज्यादा लोगे। सपोज कि अगर वॉल थिकनेस अगर 2 mm है तो उसका 1.5 गुना आप रनर का डायल को लोगे। तो यहाँ पर कुछ रनर के बेसिक डायग्राम है। तो यहाँ पर मैंने आपको डायमीटर बताया है और यहाँ पर ये कुछ रेक्टेंगुलर है जिसमें मैंने 10 डिग्री का ड्राफ्ट दिया है क्योंकि रनर को निकलना में मुश्किल होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रेपेज़ोइडल आकार दिया है मैंने जिसमें 30 डिग्री का एंगल है, तो इस तरह का भी रनर का आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर क्रॉस सेक्शन व्यू मैंने उसका बताया है रनर के लिए। अब बात करते हैं रजिस्टर रिंग के बारे में। तो रजिस्टर रिंग क्या होती है? रजिस्टर रिंग बेसिकली एक सर्कुलर मेंबर है जो कि मोल्ड के टॉप पे फिक्स होती है। बेसिकली ये किसी भी इंजेक्शन मोल्डिंग की नोजल को जो नोजल होता है तो नोजल को बेसिकली अलाइन करने के लिए काम आती है, ठीक है। तो ये एक देखा जाए तो ये एक बेसिकली स्टैंडर्ड पार्ट होता है जो कि आप हेस्को या फिर डीएमई से ले सकते हो, ठीक है। तो ये स्प्रू बुश के ऊपर लगी होती है। इसका जो अधिकतर जो आउटर डाया होता है वो 90 mm होता है। तो अलग अलग तरह की यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में अलग अलग तरह की रजिस्टर रिंग दिखा रहा हूँ जिसको लोकेटिंग रिंग भी बोलते हैं। अब बात करते हैं गाइड पिलर और गाइड बुश के बारे में। दोस्तों गाइड पिलर और गाइड बुश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इंजेक्शन मोल्ड के अंदर जो कि मोल्ड के कोर और केविटी को गाइडिंग और पोजीशनिंग का काम करती है, ठीक है। तो फिक्स्ड हाफ और मूविंग हाफ को अगर प्रॉपर अलाइनमेंट अगर चाहिए तो गाइड पिलर और गाइड बुश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जिसमें कोर का इम्प्रेशन और केविटी का इम्प्रेशन सही से मैच होने के लिए यही दोनों जिम्मेदार हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन आपको दिखा रहा हूँ गाइड पिलर और गाइड बुश के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर गाइड पिलर के बारे में पहले बात करते हैं। यहाँ पर जो गाइड पिलर का जो डाया है सपोज वो डी है, ठीक है, उसका जो एक स्टेप मैंने डाया बताया है वो D+7 आप उसको ले सकते हो। मतलब अगर आपको स्टेप में अगर उसको लेना है तो D+7 आपको उसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाहर का जो डाया है जो कॉलर का जो डाया है उसको आपको कम से कम 2.5 mm का ऑफसेट लेके लेना चाहिए, ठीक है। गाइड पिलर के
जो शुरुआत में आपको 15 डिग्री का एंगल कम से कम देना चाहिए, ठीक है, और 15 डिग्री के एंगल को आपको 10 mm तक बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ थंब रूल है जो कि आपको मोल्ड डिजाइन में बहुत ही मदद करेंगे, ठीक है। 1.5 का रेडियस मैंने ऊपर से दिया है, तो आप इसको 2 mm या 3 mm का भी दे सकते हो। और फिर जहां पर प्लेट में पिलर कोर में या फिर केविटी में फिक्स होता है, वहां पर 3 mm का रेडियस आप दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर गाइड बुश के बारे में भी कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बेसिकली गाइड पिलर और गाइड बुश एक फिट्स पे काम करते हैं जो कि H7 और G6 होता है। H7 और G6 बेसिकली स्लाइड फिट होता है। H7 जो कैपिटल H और 7 होता है, ये होता है होल के लिए, ठीक है, जो कि शाफ्ट के लिए होल के लिए है। और जो G6 है बेसिकली ये शाफ्ट के लिए टॉलरेंस है, ठीक है। तो आप इसको वेस्टर्मन टेबल में से आप देख सकते हो कि कितना इसका टॉलरेंस है, ठीक है। अब गाइड पिलर की जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है जो भी कंपोनेंट का जो हाइट है उसके ऊपर। अगर कंपोनेंट का हाइट अगर 30 mm है तो गाइड पिलर की जो लेंथ होगी वो कम से कम, ठीक है, कम से कम आप 15 mm या 20 mm ज्यादा लोगे, ठीक है। तो अगर 30 mm अगर कंपोनेंट की हाइट है तो आप उसको 45 mm या 50 mm तक भी ले सकते हो, ठीक है। अब गाइड पिलर की और गाइड बुश की जो लोकेशन होती है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली चारों कॉर्नर में आपको गाइड पिलर और गाइड बुश की जो लोकेशन है उसको आपको बराबर रखना है, ठीक है, ताकि मशीनिंग में प्रॉब्लम ना हो। मशीनिंग में जहां सेंटर से वो सभी बराबर की दूरी पे होना चाहिए। अब बात करते हैं फिक्स्ड हाफ और मूविंग हाफ के बारे में। बेसिकली प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड डिजाइन में फिक्स्ड हाफ में बेसिकली कैविटी पोर्शन आता है और मूविंग हाफ में बेसिकली जो कोर पोर्शन और साथ में इजेक्टर असेंबली का पूरा पोर्शन आता है, ठीक है। तो ये मूविंग हाफ का पोर्शन है और ये फिक्स्ड हाफ का पोर्शन है। इंजेक्शन मोल्ड में मूविंग प्लेटन से अटैच होता है, ठीक है, और जो फिक्स्ड हाफ का जो एरिया होता है वो बेसिकली मोल्ड का फिक्स्ड हाफ वो फिक्स्ड प्लेटन के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो मूविंग प्लेटन मूव करती है, ठीक है, जिसके साथ इजेक्टर रोड भी अटैच होती है जो इजेक्टर ग्रिड को मूवमेंट प्रोवाइड कराती है। इजेक्टर ग्रिड, दोस्तों, इंटीजर केविटी और कोर प्लेट बेसिकली वह कोर प्लेट और केविटी प्लेट होती है जिसमें हम सॉलिड मटेरियल का यूज करते हैं कोर और केविटी को बनाने के लिए। तो बेसिकली इसमें हम किसी इंसर्ट का इस्तेमाल नहीं करते और पूरी कोर और केविटी एक सॉलिड मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं लोकल इंसर्ट के बारे में। लोकल इंसर्ट क्या होते हैं? बेसिकली दोस्तों, किसी भी कोर और केविटी में हम लोकल इंसर्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जब कंपोनेंट हमारा साइज में छोटा होता है, ठीक है। तो लोकल इंसर्ट का इस्तेमाल करने से फायदा यह होता है कि हम उसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर उसमें कोई डिफॉर्मेशन आ जाता है, अगर वो कोई इंसर्ट में कोई चीज टूट जाती है, तो उसको आप दूसरे इंसर्ट के साथ बदल सकते हो, जिसमें कॉस्टिंग में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और आपका काम सस्ते में हो जाता है। उसी तरह से अगर सॉलिड अगर कोई कोर और केविटी होगी, उसमें अगर कोई चीज डिफॉर्म होगी या डिफॉर्मेशन उसके अंदर आता है, तो हमको पूरी कोर और केविटी को चेंज करना पड़ता है, जिससे मटेरियल का भी नुकसान होता है और साथ में मोल्ड की कॉस्ट भी बढ़ती है। तो यहाँ पर लोकल इंसर्ट का इस्तेमाल करके हम इन कॉस्ट को बचा सकते हैं, ठीक है। और साथ में जो टोटल हाउसिंग होती है, जो कोर और केविटी की हाउसिंग होती है, उसको हम एमएस मटेरियल या फिर सस्ते मटेरियल का यूज कर सकते हैं। और जो कोर इंसर्ट और केविटी इंसर्ट होते हैं उसको हम P20 जैसे या H13 या H11 मटेरियल का इस्तेमाल करके हम उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर कोर इंसर्ट और केविटी इंसर्ट का कुछ थंब रूल डायमेंशन है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कोर इंसर्ट और केविटी इंसर्ट के लिए आप ये डायमेंशन का इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज कोर इंसर्ट का जो डाया है वो डी है, ठीक है, उसकी कॉलर कम से कम 5 mm की थिकनेस की होना चाहिए और जो उसकी कॉलर का जो डायमीटर होता है वो +5 mm होना चाहिए, ठीक है।
और जो भी लेंथ होती है, जो स्टेप जो लेंथ आपको दिख रही है वो प्लेट के हिसाब से होती है, जो प्लेट के अंदर फिट हो जाए। प्लेट अगर 50 mm की थिकनेस की है तो वो थिकनेस भी आपको 50 mm की ही लेनी होगी। यहाँ पर होल के भी उसी तरह से डायमेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर D+6 mm आप कॉलर का डायल ले सकते हो, यहाँ पर मैंने 5 mm लिया था, तो यहाँ पर 0.5 पर साइड का क्लियरेंस हो जाता है, ठीक है। डी डायल ले सकते हो, बेसिकली कोर इंसर्ट और केविटी इंसर्ट देखा जाए तो कोर इंसर्ट प्लेट के अंदर प्रेस फिट होते हैं, तो प्रेस फिट का आप टाइट फिट भी बोल सकते हो। तो H7 और K6 या H7 और P6 के टॉलरेंस या फिर फिट्स में इसको हम लेते हैं। आप कॉर्नर में चैम्फर दे सकते हो 0.8 mm का, या 1 mm का भी दे सकते हो, जो कि 45 डिग्री के एंगल पे होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक डोवेल होल आपको यहां पर दिख रहा है, जो कि इंसर्ट को एक पोजीशन पे रखने के लिए दिया जाता है। तो यहां पर डोवेल होल में आप एक पिन लगा देते हो, जिससे इंसर्ट अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाता है और घूमता नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इंसर्ट कितने तरह के होते हैं, कोर और केविटी इंसर्ट। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो कि इंसर्ट्स के होते हैं, जो रेक्टेंगुलर और स्क्रू डाउन टाइप का एक इंसर्ट होता है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें आपको स्क्रू का इस्तेमाल करके इंसर्ट को फिट किया जाता है किसी भी कोर हाउसिंग या केविटी हाउसिंग के अंदर या कोर इंसर्ट के अंदर। अब यहाँ पर सेकेंड टाइप का दिख रहा है, रेक्टेंगुलर और फ्लेंज टाइप का, जिसमें आपको रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है और साथ ही साथ इसमें आपको कॉलर दिख रही है। तो कॉलर बेसिकली उसमें इंसर्ट में फिक्स हो जाएगी और पीछे से एक प्लेट लगेगी जो उसको मूवमेंट नहीं होने देगी, ठीक है। और सर्कुलर और स्क्रू डाउन का जो आपको दिख रहा है, सर्कुलर में यहाँ पर आप स्क्रू से ही इसको फिक्स करोगे पीछे से, ठीक है। सर्कुलर और फ्लेंज टाइप में आपको फिर से यहाँ पर एक कॉलर दिख रही है, तो कॉलर से ये पीछे से फिक्स हो जाता है। साथ में यहाँ पर मोल्ड के साइज के ऊपर भी फर्क पड़ता है। सपोज मोल्ड की जो कोर और केविटी की हाउसिंग है वो MS मटेरियल की है, तो कंप्लीट ब्लॉक हमको MS मटेरियल का लेना होता है, और साथ में जो इंसर्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हमको को कम मटेरियल की जरूरत होती है, तो कम मटेरियल का हम हीट ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिससे फिर से हमारी अगेन कॉस्टिंग बचती है। रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज पार्ट्स, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कोई भी इंसर्ट डैमेज हो जाता है तो डैमेज होने के बाद आप उसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हो, जिससे हमारी कॉस्टिंग हमको कम लगती है, ठीक है। कूलिंग सिस्टम में भी हमको फायदा होता है, आप इंसर्ट कूलिंग सिस्टम को प्रोवाइड करा सकते हो, इंसर्ट के अंदर ही आप कूलिंग को दे सकते हो, जिससे एक प्रॉपर तरीके से अच्छे से कूलिंग होती है किसी भी प्लास्टिक कंपोनेंट के लिए। अब बात करते हैं ब्लास्टर के बारे में। तो ब्लास्टर की एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंजेक्शन मोल्ड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक सुटेबल पॉकेट प्रोवाइड कराता है किसी भी इंसर्ट को फिट करने के लिए, ठीक है। और साथ में किसी भी इंसर्ट के लिए एक सिक्योर पोजिशन में उसको फिटिंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और किसी भी मोल्ड को एक सही स्ट्रेंथ देने के लिए ब्लास्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लास्टर कुछ टाइप के होते हैं, जो सॉलिड ब्लास्टर होता है, स्ट्रिप टाइप ब्लास्टर होता है और फ्रेम टाइप ब्लास्टर होता है। तो इसके डायग्राम मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, तो इस तरह के ब्लास्टर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ब्लास्टर बेसिकली हाउसिंग को ही बोला जाता है, जिसके अंदर हम कोर इंसर्ट और केविटी इंसर्ट को लगाते हैं। अब बात करते हैं अटैचमेंट ऑफ मोल्ड टू प्लेटन। प्लेटन में किसी मोल्ड का अटैचमेंट कैसे किया जाता है? तो प्लेटन में इंजेक्शन मोल्ड की जो प्लेटन होती है, उसमें मोल्ड को दो तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट बोल्टिंग मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट बोल्टिंग मेथड। डायरेक्ट बोल्टिंग मेथड में जो टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट होती है, उसके अंदर ही हम बोल्टिंग के लिए एक प्रोविजन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ही हम बोल्टिंग के लिए कुछ स्पेस छोड़ते हैं और उसमें ही हम मशीनिंग करके उसको बोल्ट कर देते हैं, तो फिक्स्ड टाइप में एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक बोल्टिंग इसके अंदर होती है, जिसको हमको बार बार खोलना होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट बोल्टिंग मेथड में हम बेसिकली एक क्लैंपिंग प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है,
और कोर और जो बॉटम और टॉप प्लेट होती है उसके अंदर एक स्लॉट को काटा जाता है। उस स्लॉट से उस क्लैंपिंग प्लेट को हम फिक्स करते हैं, और बोल्टिंग जो होती है वो उस क्लैंपिंग प्लेट के अंदर होती है, मोल्ड के अंदर नहीं की जाती। ठीक है, तो इस तरह से ये दो मेथड के थ्रू हम किसी भी मोल्ड को प्लेटन के अंदर या इंजेक्शन मोल्ड के अंदर हम फिक्स कर सकते हैं।